वेलकम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रेडॉक्स रिएक्शन। क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो हम कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। रेडॉक्स, रेड जो है ये वाला जो पोर्शन है रेडॉक्स का, RED वाला जो पोर्शन है वो इंडिकेट करता है रिडक्शन को। ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? रिडक्शन से। और ये जो वर्ड है ऑक्स, ये लिया गया है ऑक्सीडेशन से। इसका मतलब जो रिडक्स रिएक्शन होता है उसमें रिडक्शन प्रोसेस और ऑक्सीडेशन प्रोसेस, या रिडक्शन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दोनों ही एक साथ हो रहे होते हैं। तो उस तरीके के रिएक्शंस जहाँ पर दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं उनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा रिएक्शंस भी होते हैं कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंडिविजुअली काम कर रहा हो और रिडक्शन रिएक्शन इंडिविजुअली हो रहा हो? हाँ, बिल्कुल होते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस भी देखेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्योंकि टॉपिक ही है तो हमको शुरुआत ही वहाँ से करनी है, बाकी अदरवाइज हम इंडिविजुअली एक एक करके भी समझेंगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन, या आप समझ लीजिए कि एक स्टेटमेंट आप देख लीजिए, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है कोई भी काम एक साथ हो रहा हो, तो दोनों जो प्रोसेस है वो एक साथ हो रहे हो, तो ऐसे प्रोसेस को या ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। अब रिडॉक्स रिएक्शंस में मैंने क्या बोला है कि रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा, तो हम एक तरीके से इनका डिफरेंस भी साथ में करते रहेंगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में डिफरेंस क्या है, और रिएक्शंस के थ्रू भी इसको हम समझते रहेंगे। तो देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? अगर कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो, तो हम उनको बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब जो रिएक्शन हुआ है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो मेरा हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी कंपाउंड से, मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, उससे बाहर जा रहा है रिमूव होके बॉन्ड को ब्रेक करके, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो ऑक्सीजन के बेसिस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। अगर एडिशन हो रहा हो ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा, अगर जो आपका रिमूवल हो रहा हो ऑक्सीजन का तो हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो जाता है। क्या केवल ऑक्सीजन ही एक जरिया है जिसके थ्रू हम इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? नहीं, किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ना हो रहा हो तो फिर हम हाइड्रोजन देखने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन का एडिशन और रिमूवल कहाँ हो रहा है। तो अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा, देखिए उल्टा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उल्टा काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन का तो एडिशन हो और रिमूवल का, हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए और हाइड्रोजन का जो हो वो एडिशन हो जाए तो हम रिडक्शन कहेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, और एक रिएक्शन में दोनों चीज़ें, मतलब रिडक्शन प्रोसेस और ऑक्सीडेशन प्रोसेस दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, हम यहाँ पर एक रिएक्शन जो लेके आए हैं ये है 2Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न करता है, तो उस तरीके का रिएक्शन है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। जो मैग्नीशियम है ये हमारा मेटल है, ऑक्सीजन के साथ एडिशन हो रहा है तो MgO दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो मैग्नीशियम में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये जो हमारा जो प्रोसेस हो जाएगा ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सेम टू सेम है, कॉपर है और ऑक्सीजन है। कॉपर में आप देखिए ऑक्सीजन का जो है वो एडिशन हो रहा है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तीसरा एग्जांपल देखिए, आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, Fe2O3 बना रहा है, तो इन सभी जगह पर क्या है? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो ये सभी क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडेशन में कैटेगराइज करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये सारे क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर देखेंगे ये डिसोसिएशन रिएक्शन है, तो डिसोसिएशन रिएक्शन में देखिए, एक तरफ आप अगर देखें इस वाटर में से
हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, आप देख चेक करिए यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, तो ये मेरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। अगर हम यहाँ से समझें H2O है, H2O में से यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये वाला जो मेरा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो आप देखिए यहाँ पर एक कंपाउंड है, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल भी हो रहा है, सॉरी हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है और ऑक्सीजन का रिमूवल, तो उसके बेसिस पर भी आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पर, या दो, इसको एक बार करते हैं पहले। हाइड्रोजन सल्फाइड है और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखिए अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन था, तो हमने ऑक्सीजन के बेसिस पर कर लिया। एक बार हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के बेसिस पर कर लिया, इस बार हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, यहाँ पर अभी ऑक्सीजन नहीं है, तो आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सल्फर बचा, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मेरा क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। तो ये वाला मेरा प्रोसेस कैसा हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन मिलकर HCl बना रहा है, तो ये वाला मेरा हो गया रिडक्शन। तो देखिए एक ही रिएक्शन में अगर हम इंडिविजुअली स्टडी करें, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, एक ही रिएक्शन में दोनों प्रोसेस एक साथ भी हो सकते हैं, जो कि हमने यहाँ देखा है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड है और ये क्या कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, बाद में कॉपर बन रहा है, इसका मतलब -O2, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मेरा हो गया रिडक्शन। और हाइड्रोजन को आप चेक करिए, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आप देखिए ऑक्सीडेशन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन दोनों से पूछे जाते हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो गया। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पर बताना, लेकिन कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस के बजाय कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, तो हम उस पर आते हैं। अगर बात आती है मेटल की और नॉन मेटल की, तो क्या इनके बेसिस पर भी हम बता सकते हैं कि भाई जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हो रहा है, तो देखते हैं। अगर आप नॉन मेटल को ऐड करते हैं, मैं इसको अभी याद करने का तरीका भी बताऊंगा, अगर आप नॉन मेटल को ऐड करते हैं तो आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है, अगर आप नॉन मेटल को रिमूव करते हैं तो नॉन मेटल का यहाँ पर एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और नॉन मेटल का यहाँ पर रिमूवल होगा तो आपका रिडक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से ठीक उल्टा, नॉन मेटल का ठीक उल्टा काम करेगा मेटल, तो मेटल को आप रिमूव करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और मेटल को आप ऐड करेंगे तो आपका ये रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगा। चलिए एक बार इसको एग्जांपल से समझते हैं, सेम एग्जांपल लिया है। देखिए मैग्नीशियम एक मेटल है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो मैग्नीशियम को अगर मैं देखूं तो Mg से MgO जा रहा है, तो आप एक बार के लिए छोड़ दीजिए कि ये ऑक्सीजन है, आप इसको एक बार ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव से ना सोच के नॉन मेटल के पर्सपेक्टिव से सोचिए। तो यहाँ पर मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन जो मेरा है वो नॉन मेटल है, इसका मतलब नॉन मेटल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ नॉन मेटल जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा अगर मैं इधर देखूं, इसको देखूं, तो ऑक्सीजन के साथ भी कुछ हो रहा होगा, ऑक्सीजन के साथ एक मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, इसका मतलब मेटल का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही रिएक्शन में आपको साइमल्टेनियस प्रोसेस भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एक कोइंसिडेंस है कि भाई ऑक्सीजन है तो मैंने इसको मेटल नॉन मेटल के पर्सपेक्टिव से समझ लिया है। एक एग्जांपल और देखते हैं, पहले उससे पहले थोड़ी सी एक छोटी सी बात ये करते हैं, मेटल और नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल अगर आपको नहीं पता है तो एक बार उसको देख लीजिए, और हालांकि कोशिश ये कीजिए कि आपको वो ग्रुप वाइज याद हो जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगर हम पीरियोडिक टेबल के शुरू में देखें तो यहाँ ग्रुप 1, ग्रुप 2, इस तरीके से 3, इस तरीके से 12, फिर यहाँ से 13 आता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ध्यान रखिएगा, इधर वाला, ये
ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो हमारा कैसा हो जाता है, नॉन मेटल का हो जाता है। और अगर हम बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक इसको देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, मेटलॉइड की कैटेगरी में आता है। तो मेटलॉइड क्या है, ना तो पूरी तरीके से मेटल है और ना ही पूरी तरीके से नॉन मेटल है। तो कभी कभी कंडीशन या सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनका बिहेवियर कभी तो मेटालिक की तरह हो जाता है, कभी नॉन मेटल की तरह हो जाता है। तो ये डुअल नेचर आप कह सकते हैं, दोनों तरीके से बिहेव करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये वाला जो रेड में कलर्ड है, ये वाला का सारा ये हमारा होता है मेटलॉइड्स, और येलोइश कलर में है और ग्रीन वाला है ये हमारा कंप्लीटली जो है वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। या आप ऐसे समझे, पीरियोडिक टेबल में जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आपको नॉन मेटल मिलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आपको मेटल्स मिलेंगे, और जो बीच में डी ब्लॉक बचता है वो पूरा मेटल है, जिसको हम ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में भी रखते हैं। वो भी कभी आगे डिटेल में करेंगे तो फिर हम उस पर बात करेंगे। तो मेटालिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट के थ्रू भी आप जो है वो इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में ना तो ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है ना ही हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि मेटल नॉन मेटल। एक और छोटा सा एग्जांपल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं, अगर आपको कभी डाउट हो कि भाई ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो आपका एक सिंपल मेथड है, आपको ये ध्यान रखना है कि उसका चार्ज उस पर कितना होता है। अगर चार्ज पॉजिटिव है, अगर वो कैटाइन बना रहा होगा, कोई भी एलिमेंट अगर कैटाइन फॉर्मेशन जो है वो उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा तो वो मेटल की तरह बिहेव करता है। और कोई भी एलिमेंट या एटम जो नेगेटिव आयन या एनाइन बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है तो वो नॉन मेटल होता है। आप चेक करिए, इस तरफ के सारे एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल मतलब नेगेटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कहते हैं। तो F पर चार्ज F-, क्लोरीन पर Cl-, ब्रोमीन पे Br-, तो इस तरीके के आपको चार्ज देखने को मिलते हैं, नाइट्रोजन N3-, सारे ठीक। तो ये सारे नॉन मेटल। एक याद रखिएगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसा अकेला नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एक चीज, पहली चीज जो आपको याद रखनी है, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दूसरा, जो हमारे पास जो गैसेस आती हैं, स्पेशली जितनी भी गैसेस हैं वो सारी की सारी नॉन मेटल में कैटेगराइज होती हैं, और ये सभी की सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की होती है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखती हैं। तो ये हमारी बात रही। एक एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड है, अगर जिंक ऑक्साइड से हम जिंक की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हम अभी ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ना समझ के हम इसको मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। तो ऑक्सीजन एक गैस है जो कि हमारा नॉन मेटल है, तो जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा है, जो नॉन मेटल है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो देखिए, एडिशन ऑफ नॉन मेटलिक इज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ नॉन मेटल इज रिडक्शन। तो ये वाला जो हो जाएगा ये मेरा रिडक्शन हो जाएगा, और कार्बन से आप क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, तो ये मेरा हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो कार्बन कॉपर बोल दिया मैंने, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पर नॉन मेटल का एडिशन हो रहा है। तो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर आप मेटालिक समझे तो जिंक को, अगर आप समझे तो जिंक एक मेटल है ठीक, तो जिंक एक मेटल है तो ऑक्सीजन जो है वहाँ से जिंक रिमूव हो रहा है वहाँ से नॉन मेटल, तो एक वो कैटेगरी वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी हमने क्या समझा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन, दूसरा है हमारा ये मेटल नॉन मेटल के बेसिस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है, अगर सारी चीज़ें फेल हो जाएं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है छोड़ दीजिए। दूसरा क्या देखना है, मेटल और नॉन मेटल नहीं है, डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेटल नॉन मेटल है, तो दूसरा है आपको उसका जो है इलेक्ट्रॉन को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर गेन हो रहा है, कहीं पर लॉस हो रहा है। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, देखिए लॉस को समझते हैं, अगर मान लो एक एलिमेंट ए है मेरा, और ये क्या कर रहा है, ए प्लस चार्ज बना रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमेशा चार्ज पॉजिटिव आएगा, मतलब आप ऐसे समझिए कैटाइन फॉर्मेशन होगा,
और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में जैसे मान लो बी है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इस पर चार्ज बी माइनस आएगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज बनता है, मतलब हमारा जो है एनाइन फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर मान लो कोई एलिमेंट है जिसके ऊपर ऑलरेडी प्लस चार्ज है और ये क्या करता है, एक और इलेक्ट्रॉन अपने से रिमूव करता है तो यहाँ पर +2 चार्ज आता है। इसी तरीके से अगर +2 है, ये एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करता है तो +3 चार्ज आता है। दूसरा इधर आइए, अगर मान लेते हैं बी से ही ले लेते हैं, तो हमने बी लिया है, बी माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो इसके ऊपर B2 माइनस आता है और B2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन और लेता है तो B3 माइनस आता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वन पॉजिटिव से टू पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव का चार्ज इंक्रीज किया है, +2 से +3 गया है। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करे तो ऑक्सीडेशन होता है, और अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, अभी हम इंक्रीज तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि -1 जो होता है वो बड़ा होता है -2 से, क्योंकि अगर हम इंटीजर से समझें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे फिर उसमें। तो आप ऐसे समझिए, अगर माइनस चार्ज बढ़ता है -1 से -2, -2 से -3, न्यूमेरिकल वैल्यू, इंटीजर से रिलेट मत कीजिएगा, यहाँ पर मैथमेटिक्स वाला फिनोमेना मत लगाइएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल मैग्नीट्यूड वाइज, अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अभी आपको जब सारे मेथड फेल हो जाते हैं तो आप ध्यान रखिए सबसे फुल प्रूफ मेथड यही काम आता है, जो कि बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो होता है हमको ये बताने के लिए कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। चलिए इसमें से थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और फ्लोरिन के साथ रिएक्शन हो रहा है, 2HF बना रहा है। अब हम इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी से समझेंगे। देखो वैसे तो आप समझिए फ्लोरिन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो फिर वो हम समझ जाएंगे वहाँ से कि भाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आप देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मेरा क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मेरा रिडक्शन हो रहा था, तो इसका मतलब मेरे को यहाँ से क्लियर कट है कि भाई ये जब भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो मेरा यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक। तो लेकिन मुझे इसको समझना है इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, तो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन क्या करता है, H+ बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, लेकिन यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो यहाँ इसका मतलब दो हाइड्रोजन 2H+ बनाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें हाइड्रोजन जो है इस पर जीरो न्यू चार्ज है और इस पर चार्ज आ रहा है +1, तो यहाँ पर पॉजिटिव जो है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। फ्लोरीन के केस में देखें, फ्लोरीन जो है ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये क्या कर देता है, F- बनाता है, तो दो एटम है फ्लोरीन के तो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और 2F- बनाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, मतलब गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, वही चीज़ मुझे यहाँ से भी पता चल रही थी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ से मुझे रिडक्शन पता चल रहा था। कभी कभी कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आ जाती हैं जहाँ पर नहीं समझ में आता है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो रहे होते हैं, मतलब कभी ऑक्सीजन भी ऐड हो रही है, हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, कभी मेटल भी उसमें इन्वॉल्व है, तो जब कभी एक ही एलिमेंट के साथ एक से ज़्यादा चीज़ें हो रही हों, मान लो ऑक्सीजन भी ऐड हो रही है, हाइड्रोजन भी रिमूव हो रही है, तो आप कैसे पता करोगे कि भाई इसमें नेट नेट रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। उस केस में आपको केवल और केवल ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है उसके चार्ज के बेसिस पर। हालांकि 10th में ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फाउंडेशन कोर्सेज में जा रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। तो यहाँ से मैं पता कर लूँगा, हाइड्रोजन में आप देखिए प्लस चार्ज जनरेट हो रहा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पर फ्लोरीन का रिडक्शन हो जाएगा और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल इसमें और देख सकते हैं हम, दूसरा जो है मैग्नीशियम वाला है। अब मैग्नीशियम का हमको पता है ऑक्सीजन के बेसिस पर तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से चेक करें तो मैग्नीशियम क्या करता है, ये Mg2+ बनाता है
और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर दिया। तो आप देखिए मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब कैटाइन फॉर्मेशन हो रही है। तो जब भी कभी कैटाइन फॉर्मेशन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ओ टू माइनस चार्ज बनाता है, ओ टू माइनस। तो यहाँ पर क्या करिए, गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर भी आप इजीली बता सकते हैं कि कहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो एक बार आप पूरा ये डिफरेंसेस देख लीजिए, कभी हो सकता है बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपके पास एक पूरा डिपॉजिटरी हो आंसर लिखने के लिए। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे इजी मेथड है, सबसे पहले ऑक्सीजन चेक करिए, नहीं ऑक्सीजन हाइड्रोजन चेक करिए, नहीं है फिर मेटल और नॉन मेटल ढूंढिए, बाद में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढिए। कभी कभी जो कन्फ्यूजन होता है वो मेटल और नॉन मेटल को होता है, वो देखिएगा। देखिए ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ये मेरे को पता है, ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो यहाँ पर एडिशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का, तो नॉन मेटल का एडिशन हो रहा है ना। तो देख लीजिए एडिशन ऑफ नॉन मेटल है, तो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल का एडिशन जो हो जाएगा वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और इसका अपोजिट काम करेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारा ये रिडक्शन हो गया है, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट। इसी तरीके से अगर आप हाइड्रोजन के बेसिस पर देखते हैं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये उल्टा चलेगा और मेटल के बेसिस पर नॉन मेटल। तो आपको एक्चुअली ऑक्सीजन याद करना है और हाइड्रोजन याद करना है। ऑक्सीजन के बेसिस पर नॉन मेटल निकाल दीजिए और उधर आप हाइड्रोजन याद कर लेंगे, और नॉन मेटल याद होगा तो मेटल उसका उल्टा बिहेव करेगा। बाकी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा जो ऑक्सीडेशन हो गया। चलिए तो ये तो रही हमारी बात ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। इसमें एक और टर्म आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए एजेंट क्या होते हैं पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं। एजेंट जो है हमारे वो क्या करते हैं, किसी काम को होने में मदद करते हैं। जैसे कि रेंट पे हाउस ढूंढना है बेंगलोर या किसी दिल्ली जैसे सिटी में, तो आपको वैसे नहीं देख सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, किसी रियल इस्टेट एजेंट के पास जाना पड़ेगा। तो वो जो एजेंट क्या कराते हैं, वो काम कराने में हेल्प करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे वो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन होने में हेल्प करा रहे होंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट जो होंगे वो रिडक्शन होने में हेल्प करा रहे होंगे। तो आप ऐसे देखिएगा, अगर कभी कन्फ्यूजन हो आपको मैं सिंपल बता दूं, आप जब भी इक्वेशन सॉल्व करें, जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखें, तो आप उसमें ऑक्सीडेशन देखें और रिडक्शन देखें किसका हो रहा है। देखिए जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन पहले तो आप ये पता कर लीजिए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। देखिए जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसने किसी और की मदद ली होगी तब उसने ऑक्सीडेशन किया होगा। मतलब उसने मान लो ऑक्सीजन के बेसिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन उसको किसी दूसरे से मिली होगी, वो जो दूसरा वाला है वो एजेंट हो जाएगा। ठीक, तो जो ऑक्सीडेशन, और देखिए जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा जो दूसरा वाला होगा उसका रिडक्शन हो रहा होगा, तो जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्योंकि जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, मतलब ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ये ऐड कहाँ से हुई, यहाँ से गई तभी तो ऐड हुई है। तो क्या हो गया है, जिस जहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुई है उसका तो रिडक्शन हुआ ना, तो रिडक्शन जिसका होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ऑक्सीडेशन जिसका होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो कभी भी जब आपसे क्वेश्चन आए ना, तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मत फाइंड करना, आप केवल आप अपना ये फाइंड करना कि भाई ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है और रिडक्शन किस में हो रहा है। आपने एक चीज़ जब पता कर ली है,
ऑक्सीडेशन आपने पता कर लिया किसका हो रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। आपने पता कर लिया रिडक्शन किसका हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। बाकी आप डिफरेंस के लिए यहाँ से देख भी सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। वो डेफिनेशन के चक्कर में फंसेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। आप डेफिनेशन को एक बार को छोड़ दीजिए, सिंपल चीज़ है, आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पर ध्यान दीजिए। आप चेक करिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। ऑक्सीडेशन जिसका होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिडक्शन जिसका होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये तो रही आज हमारी बात ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की या रिडॉक्स रिएक्शन की। एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है रेंसिडिटी, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। फिर हम जो है नेक्स्ट किसी चैप्टर की बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।